उत्तराखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुरैना जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बानमौर के बटेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं जिले के अधिकारी और स्कूली बच्चों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के माध्यम से देश को एक सूत्र में बांधा है। जो हमारे देश का महत्व है वो सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक मंचों के माध्यम से इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि भारत की श्रेष्ठता पूरी दुनिया में हो। हमारे देश में पुरातत्व महत्व की अनेकों विरासत हैं, जिसमें कुछ विरासत अच्छी अवस्था में है और कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है। उनको अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत बटेश्वर तीर्थ मंदिर का जीर्णोद्धार का काम लगातार जारी है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं। योग दिवस है, मैं आपकी ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। मुझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सारी दुनिया में योग की धूम है। आज भी 190 से अधिक देश योग के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने दो अलग दिशा देने का प्रयत्न किया प्रधानमंत्री जी ने। एक तो देश के प्राचीनतम ऐतिहासिक महत्व के जो मनु 75 उनको चयनित किया, वहाँ पर 75 केंद्र सरकार के मंत्रियों को भेजा, वहाँ पर योगा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आमतौर पर आज योगा के कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, शायद ये इससे पहले बटेश्वरा नहीं आए होंगे, और मीडिया में भी बटेश्वरा का अवसर नहीं आता तो फिर बटेश्वरा लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन इस जगह की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस योग के कार्यक्रम के माध्यम से बटेश्वरा आज राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। देश में जो 75 स्थान है उसमें एक बटेश्वरा भी है, खजुराहो भी है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 बजे उदय होता है। अलग अलग देशों में उसके उदय होने का और अस्त होने का समय अलग अलग है, तो आज जो हो रहा है मतलब कहीं 5 बजे उदय हुआ वहाँ 5 बजे योगा शुरू हुआ, जहाँ 8 बजे उदय होगा वहाँ 8 बजे शुरू होगा, जहाँ 10 बजे उदय होगा वहाँ 10 बजे शुरू होगा। तो ऐसे जैसे जैसे सूर्य चल रहा है वैसे वैसे दुनिया में आज योग चल रहा है। यह अपने आप में अद्भुत सोच प्रधानमंत्री जी की है, उसके लिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ।